चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो हमारा गन्ना जो है 325 से 350 कर दिया, क्या कर दिया बताओ? कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई बड़ा स्कूल नहीं बनाया, कोई सरकारी कुछ नहीं बना, मतलब कुछ बनाया, कुछ भी नहीं बना। नेता हुए भाजपा को यहाँ बढ़ने में देगा मुंह में, तो हमें संघर्ष करने की जरूरत। हम समाजवादी लोग आपको गले लगाए हैं। परिवर्तन की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद की। कितना विकास हो रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन किया है। कि मैं संविधान के साथ खड़ा हूँ। नमस्कार साथियों, चलचित्र अभियान में आप सभी का स्वागत है। आज हम शामली विधानसभा सीट के भविसा गांव में हैं। 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है, तो हम अभी किसानों से बात करते हैं और जानते हैं उनके कि इस बार उनके क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर लेकर वो वोट करेंगे। जी आप बताइए, इस बार किसानों के क्या क्या मुद्दे हैं वेस्ट यूपी में, जैसे गन्ना भुगतान कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, तो किस चीज़ को लेकर? भुगतान तो भाई एक बिनने का भी नहीं है, आप डने मिल का जी, और परेशान हो रहे सिर सुबह खाद बनू तभी पीछे तेल पर बदल लग रहे, गैस पर बदल लग रहे, रोज डीजल पद है, डीजल भी पेट्रोल भी सब पद है। 14 दिन का कहते पेमेंट करवा देंगे, यहाँ तो मैं लिखा 14 महीने का भी नहीं हुआ भाई। बहुत टिपिकल लोग दल को देंगे जो हमारी सुनो का, भाजपा को बिल्कुल नहीं दे, पहले देकर चक लिए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी है। दोगुनी के तो पहली मत भी गई, पहले बताया था मैं, तू कहते बदमाशी हटा दी, कहली बदमाशी तो काम चल जा गए, खान को भी तो चौदह ने। लेकिन 16 समय क्यों बेचे गए, तब कह के लेने वाला कोई नहीं पाया जो गड्डी में। नेता हुए कहते भाजपा को यहाँ बढ़ने मिलते काम में, भाजपा का मुंह नहीं बढ़न दे। और लो विधायक जो कहते मैं भविष्य जाकर को पहचान दे, विधायक है चाहे बुला लो तो मैं भी यहाँ। और वोट दे दी थी मोदी को, किसी को योगी को दी थी बलक वोट, तो हिंदुत्व के उस पर दी थी। ये धर्म जो है नहीं, ये हमें किसानों को खा गया। अगर हम देखो सुनो, राजनीति में एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, एक थर्ड ग्रुप होता है जिसे प्रेशर गुट कहते हैं, दबाव गुट। हमने अपना दबाव गुट खो दिया। हमारा जो राष्ट्रीय लोकदल है उसको डनफाल करके हमने बहुत भूल कर दी। रूस में मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति था और अमेरिका में था रोनाल्ड रीगन। मिखाइल गोर्बाचोव ने रीगन के साथ में दोस्ती करके रूस के 14 टुकड़े करा दिए। ये मोदी क्या कराएगा इस देश? अभी लखीमपुर खीरी में एक केस हुआ है, मतलब किसान अपना आंदोलन कर रहे थे और उन पर गाड़ी से उनको कुचल दिया गया। जो वहाँ गया भी नहीं लखीमपुर, वो भी इतना दुख है जिसका कोई जवाब नहीं। चार किसान मर गए, 9 किसान मर गए। कल लो बता दे, जिसका वो कह रहे हैं, जिसका सैयद कोतवाल का केडक डर कहेगा जी, उसका बापू गृह राज्य मंत्री है, ऐसा देखा जो माल्या में मर्डर कर दिया, इसका कर दिया। मैं नहीं पाऊंगा, मैं भाग गया मर्डर करके। मेरे बापू को उठाओगी, मेरे बेटे को उठाओगी, मेरी वीर बहन उठाओगी, मेरे घर में तोड़ फोड़ करेगी। वो तो बराती की ढाड़ बुलाया, उन्होंने दो पाया, दो सामान भेजे जी भी तो कहा। और इतना उसका बापू लखीमपुर में आकर बैठा था, वो पेश किया जी, मंत्री लखीमपुर में आकर बैठ गया जी, पेश दिया हो। और फिर क्या कहे, कह लगे भाई साहब तोड़ चढ़ना कर, मैं चोरी कर ली जी, मेरे छूट में पुलिस फट्टे नहीं मारे कि मैं बताऊंगा कि मैं चोरी करी, तू मेरे तब बुझे मैं तो नहीं करी चोरी, बस का छूट फट्टे लगता जी, भी तो बताता मैं चोरी करी, मैं मारे आदमी। वो अंधा होगा कि सड़क ऊपर चढ़ा रहा, अदालत ने कह रही कह तोड़ चढ़ ना करिए, इसकी गल वकील फिर मरी गल तो वकील ला जाते भाई, जो जो मरी गए जी कानून सबके लिए आए। जी मारा फट्टे लगे, उसका फट्टे क्यों नहीं लगे जी, मारे घर ढेर मारे माँ बाप को उठा ले, उसके माँ बाप को क्यों नहीं उठाए गए। सरकार के कुछ लोगों का कहना है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि वो एक्चुअली में किसान ही नहीं है, और ये जो कानून बनाए गए हैं वो जो किसान है उनके लिए फायदे में है। आधा का आग दिखा भाई, आधे की एक चीज बता दो उनको, ये फायदा कर रहा हमारा फायदा था जी, वो ही नेता उनको तो जीरो बैलेंस पर करता बिल्कुल जी, जीरो बैलेंस पे इतना नेता नहीं होएगा, इतना इस देश का सुधार नहीं होएगा बिल्कुल। इंदिरा गांधी थी जीरो बैलेंस पर, सब नेता थे उसके हम भाई है, चरण सिंह के खाते को आज ढाके देख लो, उसका जाकू का बातू देख लो, कुछ नहीं है। इस लॉकडाउन में अंबानी और अडानी के अलावा नु बता दे किसकी आय बढ़ी, किसी की बढ़ी हो?
सरकार को इतना टूटता है, रेल भी बेच दी, जहाज भी बेच दिए टाटा को, इन्हीं पांच सात आदमी की आय को कर बैठगी भाई। क्यों पेस्टिसाइड की इनकी वे दुकान है, जो खेती में दवा इस्तेमाल हो वे सारे ये इनके रेट चार गुने बढ़ा बढ़ा है, हम मार लिए इन्होंने। आप बताइए पिछले चार सालों में कितना विकास हुआ है यूपी में? रोड बढ़ा है, हमें तो एक भी विकास नहीं चल रहा है। रोड रोड पे माल ना थोड़े घड़े रोडी पे वे गेर का कर दिया, ढेकली लगाई है कंपनी लगी है, ढेकली लगा रखी, हमें कोई विकास नहीं दिख रहा। जितने विकास कहाँ बढ़े भाई, किसान जो कुछ है टाइम पे पेमेंट मिल जाओ, सही दाम पे इसकी फसल बिक जाओ, और क्या है किसान के दौरे कोई स्कूल बना, बाजार में जी भी तो जाओगे, हम बाजार में भी तो जी भी जाओगे। बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनाया उनके, कोई बड़ा स्कूल नहीं बनाया, कोई सरकारी कुछ नहीं बना, मतलब कुछ बनाया कुछ भी नहीं बना, सड़क बनी एक और वो अभी टोल टैक्स लगा दे, क्या लगता है 2013 में जो एक हिंदू मुस्लिम के बीच दरार हुई थी, क्या इस तो वो दरार कितनी कम हुई है? सारी कम हो रही, नू मिले बैठे दोनों इबनी जो खुर रही पीटे हुए पीटे है, एक जगह हुए दोनों जाट भी मुसलमान भी, और हमारे भाई बतेरे मारी गए। आपको क्या लगता है मतलब 2013 में किन मुद्दों को लेकर किसानों ने वोट किया था और इस बार? वो तो धर्म के ऊपर हुआ था, वो तो जो दंगे हुए थे 2013 में, वो तो उसके चक्कर में आ गया था सारा युवा, और सबने बढ़ चढ़ के वोटिंग करी थी, हमने भी बीजेपी की वोट दी थी, लेकिन इनका जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवा है वो इनका इनके साथ बिल्कुल नहीं है। हमें क्या पता था ये उल्टा हमें ही खावा का, हमें तो पता होता हम ही से गए थे वोट। सरकार ने बीजेपी सरकार ने एक किसान सम्मान निधि योजना भी चलाई हुई है, तो उससे कितना फायदा किसानों को हो रहा है? जिस टाइम से किसान सम्मान निधि शुरू हुई उस टाइम खड़ की बोरी जो है 1600 रुपए की थी भाई, आज वो बोरी 2600 रुपए की है। अच्छा 1000 रुपए एक बोरी पर मार्जिन हो गया, किसी का चार पांच डांगर हैं तो 15 दिन में एक बोरी लग जा, और महीने में लग जा दो बोरी, तो दो बोरी एक महीने में 2000 का वो हो गया, और साल भर में 24000 गए और मिल रहा हमें 6000, यह सम्मान निधि भाई। लेकिन अभी सरकार ने तो गन्ने का पेमेंट मतलब गन्ने का जो पर क्विंटल है उसका 25 रुपये बढ़ाया है। अब ये देखिए ये ट्यूब है, अब से दो महीने पहले ये 60-65 रुपये की आ जाती, आज है इसकी 86 रुपये 65 पैसे। अब आप एक बात बताइए, अगर 60 रुपये पर 20 रुपये महंगाई बढ़गी तो हमारा गन्ना जो है 325 से 350 कर दिया, क्या कर दिया बताओ जी? 60 रुपये पे 20 रुपये। बाबा जी आप ये बताइए, आप खेती करते हैं, चार साल पहले आप गन्ने की खेती करते हो तो एक बीघा पे कितना खर्च आता था और कितनी बचत होती है? अब एक बीघा पे कितने खर्च आता है और कितना बचत होती है? जो तो पिट्टा जी और बुग्गी अंका, पहला डाई का कट्टा होता 400 रुपए का जी, कांसा का आठ डाई का कट्टा है 1200 रुपए का, यूरिया का कट्टा पहला 10 देरी का था वह होता 300 रुपए का, आज होगा 9 देरी का जी। जिस भाव में हम गन्ना दे रहे जा फिलहाल जो है मेरे पास कुछ नहीं बचता, जो दवा के जब तक हमारा 6 महीने में या 7 महीने में पेमेंट आवे तब तक हमें बड़े किसान के यहाँ से अब किसी साह के यहाँ से पैसे उठाने पड़े, बालकों की फीस भी है, हरी बीमारी भी है और घरेलू खर्चे भी है, उसमें जो है बहुत दिक्कत आ रही है, किसान बिल्कुल खत्म हो गया। छोटा जो किसान है, बड़ा किसान खुरच खर्च का अपना काम चला रहा, लेकिन जो छोटा किसान है हम सिवार 10 बीघे के बोआ है तो हम तो बिल्कुल खत्म हो गए, घर में एक भी नौकरी नहीं, ना प्राइवेट ना वैसी, और जो है किसानी में है ये 2 रुपए की बचत है, यही चले जाओ 20-30 लाख के लगते, अरे बच्चे दे 10 रुपए मीटर वाले दे रहे, मारे खाऊ पता पिटने कुर्ते और रात तो देंगे 20 रुपए का पैरा, मेरी कहा खैर सल्ला। निजीकरण कर दिया, रेल का निजीकरण कर दिया और कोयले का निजीकरण कर दिया, ये सब मतलब ये लीलाम फैक्ट्रियों को दे रही, तो जो फैक्ट्री को फैक्ट्री वाले बड़े बड़े वो मालिक जो है वो सरमाएदार ये इन्हें खरीद लेंगे, हमें क्या भाव बेचेंगे ये बताओ? रोजगार की क्या स्थिति है सर? खत्म है बिल्कुल, बता रोजगार कौन, कोई लगा लोंडा कोई लगा हो नूना लगा हो बता तो हम रोजगार वाले सारे मारी सारी को मारने लगे डली, बताए हम क्या करें? अभी नहीं लेने के तो रोजगार नहीं है, 10-10 लाख रुपए मांगे करने वाले कहां से लेंगे किसान के घर पे ना, ब्याह होते ब्याह के मारे मुंह ठाऊ बांट दे, अरे मिलिट्री वाले के लिए 5 लाख रुपए मांगे,
5 लाख रुपए तो देखो सा भर्ती करो, और जब तू ये वहां जब तू मारते पाकिस्तान वाले चीन वाले हमें तो बता रहा पे भी गए और घर का नाश भी हो गया हमारा। आपकी वैसे अभी जैसे चुनाव आ रहा है तो क्या मांगे है आपकी, मतलब जो चाहे कोई भी सरकार है तो आपकी किन मांगों को माना जाए, मतलब किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले? भाई हम तो साफ सी बात है, हम तो प्रेशर गुट को वोट करेंगे, हम तो राष्ट्रीय लोकदल को वोट करेंगे जो हमारी उस पर सामना खड़ा हो जाने के। एक तो ये कानून ये तो पूंजीवाद की तरफ को लेकर चल रहे और हमें चाहिए समाजवाद। 2022 की विधानसभा चुनाव की खबरें आज तक आप तक आती रहेगी, तो जुड़े रहे चलते थे अभियान के साथ। धन्यवाद। ये भविष्य की चौपाल है।